लेक्चर के अंदर लोग रिफ्लेक्शन को स्टडी कर रहे थे, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन में अपन ने स्फेरिकल मिरर्स पढ़े थे, प्लेन मिरर्स पढ़े थे, वहां पर रिफ्लेक्शन को खत्म कर दिया था। और रिफ्लेक्शन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ। फिर आप कुछ क्वेश्चन अपन देखेंगे मिरर फॉर्मूला से रिलेटेड या फिर मैग्निफिकेशन फॉर्मूला से रिलेटेड, ठीक है। तो देखो प्लेन मिरर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। अब जो प्लेन मिरर होता है, प्लेन मिरर के अंदर ऑब्जेक्ट का साइज, इमेज का साइज वो अपने पढ़ा था, इक्वल होते हैं, ठीक है। अब मान लो कोई प्लेन मिरर है अपना, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट की बात कर रहा हूं, स्लो की, कोई प्लेन मिरर है अपना, प्लेन मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट वी वेलोसिटी से अपना प्लेन मिरर की साइज मूव कर रहा है, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट है जो वी वेलोसिटी से क्या कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट हो प्लेन मिरर की साइज मूव कर रहा है। तो इसकी जो इमेज होगी ना आई, ये इमेज आई, ये इस ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में 2v वेलोसिटी से मूव करेगी। दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी से प्लेन मिरर की साइड मूव कर रहा है तो उस ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में उसकी जो इमेज है वो प्लेन मिरर में 2v वेलोसिटी से अपन को मूव करती हुई अपीयर होगी, ठीक है, याद रहेगा। सेकेंड पॉइंट के बारे में बात करें, मान लो मेरे पास कोई ये प्लेन मिरर है, ठीक है, ये प्लेन मिरर, ठीक है। अभी जो प्लेन मिरर है, इस प्लेन मिरर में एक नॉर्मल होगा, ये नॉर्मल होता है जिसे अपन क्या देखते हैं, रिफ्लेक्शन को देखते हैं, रेफरेंस लाइन की तरह वर्क करता है नॉर्मल। अब मान लो मेरे पास कोई लाइट रे है और वो लाइट रे जो है वो इधर से आ रही है, ठीक है, इधर से आ रही है वो लाइट रे, ये आ रही है लाइट रे। अभी लाइट रे जो आ रही है ना, लाइट थीटा एंगल पे, आई एंगल पे, आई एंगल पे इंसिडेंट हो रही है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आई एंगल पे आ रही है, आई इक्वल टू आर होता है रिफ्लेक्शन में। तो ये जब दूसरी साइड जाएगी तो दूसरी साइड ये आर रिफ्लेक्टेड रही और इसका एंगल भी आई ही हो जाएगा, इस एंगल में भी आई, भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब मान लो ये जो अपना प्लेन मिरर है ना, इसको थीटा एंगल से मैं रोटेट कर दूं, इसको यहां पे क्या किया मैंने, थीटा एंगल से रोटेट कर दूं, ठीक है, प्लेन मिरर को थीटा एंगल से रोटेट किया है, प्लेन मिरर को थीटा एंगल से रोटेट किया तो इसका नॉर्मल भी थीटा एंगल से रोटेट हो जाएगा, इसका नॉर्मल भी क्या हो जाएगा, थीटा एंगल से, थीटा एंगल से क्या हो गया, रोटेट हो गया, मतलब अब नए वाले नॉर्मल का पुराने वाले नॉर्मल के साथ एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा कि भाई देखो ये अब इंसिडेंट रे का एंगल पहले नॉर्मल से आई था, पहले आई था, अब कितना हो गया, अब नए वाले नॉर्मल से एंगल हो गया आई प्लस थीटा, कितना हो गया, नए वाले नॉर्मल से अपनी इंसिडेंट रे का एंगल कितना हो गया, आई और ये थीटा, आई प्लस थीटा, ठीक है। तो रिफ्लेक्टेड रे आई इक्वल टू आर, जितने एंगल पे अपनी लाइट से इंसिडेंट हो रही है उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट होगी, तो आई प्लस थीटा एंगल पे अगर लाइट रे आई है तो नॉर्मल के, नए वाले नॉर्मल की दूसरी साइड अपनी जो लाइट रे है ना वो भी किस एंगल पे जाएगी, इस नॉर्मल से आई प्लस थीटा एंगल पर ही जाएगी। इसका मतलब पुराने वाले नॉर्मल से कितना एंगल हो जाएगा कि भाई ये तो है आई प्लस थीटा और नॉर्मल टू नॉर्मल एंगल है थीटा, दिस इज थीटा, दिस इज आई प्लस थीटा, तो अब उसका एंगल कितना हो जाएगा, आई प्लस टू थीटा, इसका मतलब आई में कितना ऐड हुआ, टू थीटा ऐड हुआ। इसका मीनिंग ये हो गया कि भाई अगर अपन प्लेन मिरर को थीटा एंगल से रोटेट कर दें तो अपनी रिफ्लेक्टेड रे जो है वो टू थीटा एंगल से डिस्प्लेस हो जाएगी। समझ में आया पॉइंट, प्लेन मिरर को कितना डिस्प्लेस किया, एंगल डिस्प्लेसमेंट दिया थीटा, रिफ्लेक्टेड रे को कितना मिला, टू थीटा, ठीक है। तो ये दो पॉइंट अपन को प्लेन मिरर के बारे में याद रखने हैं। स्फेरिकल मिरर भी पढ़े थे अपन ने, तो स्फेरिकल मिरर के बारे में भी कुछ पॉइंट थे वो देखते हैं अपन। देखो अब स्फेरिकल मिरर्स जो अपन ने पढ़े, स्फेरिकल मिरर्स पे अपन ने मैग्निफिकेशन पढ़ा,
बड़ा ये अपना मिरर है, मान लो हिस्टोरिकल मिरर है, कौन सा हो गया कॉन्केव हो गया, ठीक है, ये अपनी हो गई क्या प्रिंसिपल एक्सिस, और ये अपना क्या हो गया, ये अपना हो गया पोल, ठीक है। अभी पोल हो गया तो ये क्या करेगा, जो मिरर है अपना वो मैग्निफिकेशन करेगा। अब मैग्निफिकेशन करेगा तो देखो अपना ऑब्जेक्ट तो ऐसे भी रखा हो सकता है, ऐसे ये कैसे रखा है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रखा है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। और अपना ऑब्जेक्ट ऐसे भी रखा हो सकता है, दैट इज परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ऐसे भी रखा हो सकता है, ठीक है। जब पैरेलल रखा है तो उसको अपन बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन, ठीक है, क्या बोलेंगे लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन। और अगर परपेंडिकुलर रखा है ऐसे तो उसको अपन बोलेंगे क्या ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। तो ये दो टाइप का मैग्निफिकेशन हो सकता है, वो ओनली किस पे डिपेंड कर रहा है, वो ओनली उसकी पोजीशन पर डिपेंड कर रहा है, पैरेलल रखा हुआ है अपना ऑब्जेक्ट या फिर परपेंडिकुलर रखा हुआ है, ठीक है। अब अपना जो प्लेन मिरर है, मान लो अपने प्लेन मिरर की साइड कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उसके सामने मूव कर रहा है किसी वेलोसिटी v से, अब क्या हो रहा है कि देखो मूव तो ऐसे भी कर सकता है, सामने चलाता है और मूव ऐसे भी कर सकता है। तो अगर मान लो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी अपन को दे रखी है, ठीक है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी अगर अपन को दे रखी है तो ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में इमेज की वेलोसिटी क्या हो सकती है ये अपन फाइंड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो मान लो अपना जो ऑब्जेक्ट है, अपना ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर की साइड मूव कर रहा है, मतलब प्लेन मिरर की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, ये अपना प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर की साइड मूव कर रहा है, तो ये अपना स्फेरिकल मिरर mm डैश, ठीक है, ये अपना प्रिंसिपल एक्सिस पोल हो गया, तो अपना ये ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है। अब क्या होगा कि ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस उसको तो अपन कैसे रिनोट करते हैं, u से उसका डिस्टेंस कितना हो गया u। अब जो अंदर इमेज है वो भी क्या करेगी, वो मूव करती हुई अपीयर होगी, आगे पीछे जहां भी जाएगी, तो इमेज का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है v होता है, चेंज इन डिस्टेंस इज स्पीड, ठीक है, तो चेंज इन डिस्टेंस विद टाइम डी अपॉन डीटी ये तो हो गई ऑब्जेक्ट की स्पीड, और ये डी अपॉन डीटी चेंज इन पोजीशन ऑफ इमेज, ये हो गई इमेज की वेलोसिटी। तो अगर मान लो अपना ऑब्जेक्ट किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है टुवर्ड्स मिरर, तो उसकी इमेज किस वेलोसिटी से मूव करेगी, डी अपॉन डीटी फाइंड करना है। हम जानते हैं मिरर फॉर्मूला क्या है, मिरर फॉर्मूला फॉर्मूला कहता है कि भाई 1 अपॉन f होता है 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u, ठीक है, मुझे क्या करना है dv अपॉन dt फाइंड करना है, ठीक है, मतलब इमेज की वेलोसिटी फाइंड करनी है, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा dv अपॉन dt के। इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, f ओवर माइनस 1 इनवर्स की फॉर्म में इक्वल टू v ओवर माइनस 1 और प्लस u ओवर माइनस 1 इनवर्स की फॉर्म में लिख दिया, उसको कर लेते हैं डिफरेंशिएट कर देता हूं। फोकस फोकल लेंथ तो कांस्टेंट होती है मिरर की, उसका अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूं तो जीरो कांस्टेंट में डिफरेंशिएशन जीरो, v पावर माइनस 1 x ओवर n n x n माइनस 1, ठीक है, और dv अपॉन dt हो गया। u का करें x पावर माइनस 1 माइनस माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, u पावर माइनस 1 माइनस 1 एंड dv अपॉन dt, ठीक है भाई, दिस इज माइनस का v पावर माइनस 2 dv अपॉन dt माइनस पावर माइनस 2 dv अपॉन dt, dv अपॉन dt फाइंड करना है मुझे, दिस इज v पावर माइनस 2 क्या लिख सकता हूं 1 अपॉन v स्क्वायर नीचे ले गया, dv अपॉन dt इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन u स्क्वायर dv अपॉन dt, ये हो जाएगा तो dv अपॉन dt क्या हो जाएगा माइनस और फाइनल dv upon dt which is the speed of image, भाई v क्या था, image की position थी, the change in position with time that is velocity, और speed
ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का बी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर एंड डी अपॉन डीटी हो जाएगा। दैट मीन्स द वेलोसिटी ऑफ ए वेव और स्पीड ऑफ ए वेव जो भी आप बोलो, आई एस से लिख देता हूं, है ना, सॉरी हाँ आई एस से लिख दो, आई एस इक्वल टू माइनस का वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर एंड ओ एस ऑब्जेक्टिव स्पीड। ठीक है, दिस फॉर्मूला कैन बी यूज फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज, मतलब इमेज इज मूविंग टुवर्ड्स अवे फ्रॉम द मिरर। ठीक है, तो हम उसकी स्पीड इस फॉर्मूला से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अगर मान लो ऑब्जेक्ट ऐसे मूव ना करके ऐसे मूव कर रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, उस टाइम क्या होगा, इमेज की हाइट जो है ना एच, ये एच है जो हुई, तो ये एच वेरी कर रही है पोजिशन, और नीचे इमेज की क्या वेरी करेगी, एच जैसे रिप्रेजेंट करते हैं तो इमेज की हाइट को एच जैसे वेरी करेगा। ठीक है, तो मान लो अगर परपेंडिकुलर मोशन हो रहा है तो क्या होगा स्पीड का, तो अपन निकाल सकते हैं फॉर्मूला मैग्निफिकेशन से, अपन जानते हैं भाई एच डैश अपॉन एच क्या होता है, माइनस का वी अपॉन यू होता है। ठीक है, अब चेंज क्या हो रहा है कि एच इसके साथ एच डैश निकालना है मेरे को, ठीक है, इसमें चेंज निकालना है, इसकी वेलोसिटी निकालनी है, मतलब डी एच डैश अपॉन डी टी फाइंड करना है। ठीक है भाई, इमेज की हाइट में चेंज फाइंड करना है, वही डिफरेंशिएशन एच डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा एच एंड माइनस का वी अपॉन यू, डी एच डैश अपॉन डी टी विल बी इक्वल टू माइनस का वी अपॉन यू एंड डी एच अपॉन डी टी, तो वही वापस ऑब्जेक्ट का पता हो वेलोसिटी अपन को, दैट विल बी डी एच अपॉन डी टी, इमेज की वेलोसिटी क्या हो जाएगी माइनस का वी अपॉन यू इनटू ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी। ठीक है, तो इस तरह अपन क्या कर सकते हैं, किसी भी स्फेरिकल मिरर के सामने अपनी वेलोसिटीज भी लोग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये स्फेरिकल मिरर के बारे में कुछ पॉइंट थे। इसके अलावा एक पॉइंट और हम लोग स्फेरिकल मिरर के बारे में बोल सकते हैं, जिसको अपन बोलते हैं न्यूटन्स फॉर्मूला। न्यूटन्स फॉर्मूला क्या काम आता है, न्यूटन ने दिया था, नाम से पता चल रहा है, ऑब्वियसली बात है न्यूटन्स फॉर्मूला है, तो न्यूटन ने ही दिया होगा। क्या कहता है न्यूटन्स फॉर्मूला, न्यूटन्स फॉर्मूला ये बोलता है कि मान लो ये अपना स्फेरिकल मिरर है, इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, और ये हो गई फोकल लेंथ। ठीक है, यहां अपना ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका फोकस से डिस्टेंस है x1, इसकी इमेज बन रही है, ये तो ए भी अपना ऑब्जेक्ट हो गया, एच बी डैश अपनी इमेज हो गई, और ये x2 डिस्टेंस पे फोकस से अपनी इमेज फॉर्म हो गई। तो न्यूटन्स फॉर्मूला क्या कहता है, न्यूटन्स फॉर्मूला ये कहता है कि फोकल लेंथ f विल बी अंडर रूट x1 इनटू x2, डेरिवेशन ही है इसके अपने सिलेबस में, तो डायरेक्ट याद रखना है अपन को कि भाई फोकल लेंथ f इक्वल टू क्या होती है, अंडर रूट x1 इनटू x2 होती है। ठीक है भाई, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो अपन को याद रखे हैं मिरर्स के बारे में, स्फेरिकल और प्लेन मिरर्स के बारे में। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस अपन रिफ्लेक्शन से रिलेटेड देख लेते हैं, जिससे अपना रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। वैसे तो क्या रिफ्लेक्शन रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने 10th क्लास में किए हैं। ठीक है, काफी न्यूमेरिकल किए होंगे आप लोगों ने 10th क्लास में ऑप्टिक्स वाले चैप्टर में, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चन हम लोग यहाँ देख लेते हैं, कॉन्सेप्ट थोड़ा आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखें क्वेश्चन देखते हैं अपन लोग, रिफ्लेक्शन का एक क्वेश्चन मुझे गिवन है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, देयर इज अ कॉनकेव मिरर, क्वेश्चन ये बोल रहा है अ कॉनकेव मिरर
ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड placed 50 centimeter from a wall ठीक है. हाउ फार द वॉल शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड टू फॉर्म अ रियल इमेज ऑन द वॉल ठीक है. तो देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन को समझते हैं. क्वेश्चन में बोल रहा है कॉनकेव मिरर है, फोकल लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर है ठीक है. तो कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ हमको गिवन है f इक्वल टू, अरे कॉनकेव है तो फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, मैंने बताया था पहले ही. फोकल लेंथ कॉनकेव की होती है नेगेटिव और कॉनवेक्स की होती है पॉजिटिव. देखो उसका रीजन भी अपन ने पहले डिस्कस किया था साइन कन्वेंशन के बारे में. कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर होगा, नेगेटिव कॉनकेव मिरर एम एम डैश ठीक है. इसका प्रिंसिपल एक्सिस वॉल हो गया, अब इधर हो गई वॉल ठीक है भाई. ये वॉल है, मान लेता हूं ये वॉल है ठीक है. अब ये जो वॉल है, इस वॉल पे क्या हो रहा है, ऐसे बोल रहा है कि भाई कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, f इक्वल टू 20 है. अच्छा कॉनकेव है, साइन कन्वेंशन क्या बोल रहे, माइनस 20 हो जाएगी भाई. इधर होगी ना पोल से पीछे माइनस x एक्सिस पे ठीक है. इससे 50 सेंटीमीटर पर वॉल है, ये 50 सेंटीमीटर पर क्या है, ये वॉल है ये नहीं. मुझे क्या करना है, वॉल से किसी भी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को रखना है. इस तरह रखना है कि इमेज का बने वॉल पे बने, मतलब इमेज का डिस्टेंस क्या है पहले गिवन है मुझे कितना है 50 सेंटीमीटर. अब ये भी पोल के लेफ्ट साइड माइनस एक्स एक्सिस पे है, मतलब ये भी क्या हो जाएगी साइन कन्वेंशन से माइनस 50 सेंटीमीटर. तो मुझे ये पता करना है कि वी माइनस 50 बनानी है तो यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए. सिंपल सा क्वेश्चन, लैंग्वेज आगे समझ लो तो क्वेश्चन सिंपल हो गया. सिंपल सी बात है भाई, मिरर फॉर्मूला एफ यू और वी का रिलेशन लगा दो सीधा सीधा लगाओ. वन अपॉन एफ इक्वल टू वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू. अब मुझे तो यू फाइंड करना है, वन अपॉन यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वन अपॉन एफ और माइनस का वन अपॉन वी. सॉल्व करना तो बस रखिए, सिंपली हो जाएगा वन अपॉन यू इक्वल टू वन अपॉन एफ, एफ की वैल्यू कितनी माइनस 20 माइनस माइनस प्लस इसका माइनस वन अपॉन 15. सॉल्यूशन करना तो बस कैलकुलेशन करनी है, 100 एलसीएम आ जाएगा ठीक है. माइनस 5 प्लस करके आ गया 2, तो वन अपॉन यू कितना आ गया माइनस 3 अपॉन 100, यू क्या आ जाएगा माइनस का 33.3 सेंटीमीटर. यू की वैल्यू मतलब ये जो ऑब्जेक्ट रखा है ना, इसका डिस्टेंस किससे आ गया, मिरर से कितना आ गया माइनस 33.3. अगर मैग्नीट्यूड लूं तो 33.3 सेंटीमीटर पर हम क्या रखेंगे, अपने ऑब्जेक्ट को रखेंगे कहां से, मिरर से, कहां से पूछ रहा है, वॉल से. वॉल टोटल कितनी है 50, 50 माइनस यू हो जाएगा सिंपली, 50 माइनस यू इज 33.3, 17.7 सेंटीमीटर. वॉल से इस डिस्टेंस पर अपन को अपने ऑब्जेक्ट को रखना पड़ेगा ठीक है. तो अपन की जो इमेज है वो सीधी काम हो जाएगी, जाके सीधी हो जाके अपन को वॉल पे इमेज मिलेगी. बात आ गई होगी समझ में ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था.